हेलो हेलो आवाज, यस, ऑल गुड। हाय गाइस, हाउ आर यू? आई होप सब एकदम बढ़िया चल रहा होगा, आपकी तैयारी चल रही होगी ऑन पॉइंट। आज की वीडियो क्या है? आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा ऐसा मानना है कि जो आज की वीडियो में मैं कराऊंगा डिसॉल्यूशन चैप्टर में, उसके आने के चांसेस ठीक ठाक हैं आपके एग्जाम में। सीबीएसई जो टर्म टू का एग्जाम है अकाउंटेंसी का, उसमें आने के चांसेस भरपूर है। क्या चीज करवाने वाला हूँ मैंने आपको, पता है डिसॉल्यूशन चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहला पार्ट क्या था कि मैंने आपको रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड जो जर्नल एंट्रीज थी वो करवाई थी। दूसरे पार्ट में वो जो 4 बड़े अकाउंट थे जिसमें रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश एंड बैंक अकाउंट होता था, मैंने वो केसेस करा दिए थे। अभी जस्ट पिछली वीडियो में वो हमने खत्म किया था। अब आज हम लास्ट और तीसरा केस करने वाले हैं, तीसरे टाइप ऑफ क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसके अंदर जो हम जर्नल एंट्रीज करेंगे वो जर्नल एंट्रीज बेस्ड होंगी उन 4 अकाउंट के ऊपर जो हमने केस टू में वो जो 4 मेजर अकाउंट्स बनाने सीखे थे, उन 4 अकाउंट्स के बेसिस पे हम लोग पढ़ने वाले हैं इन जर्नल एंट्रीज को। उसमें भी स्पेशली मैं बात करूंगा रियलाइजेशन अकाउंट, यानी कि अगर रियलाइजेशन अकाउंट आपको अच्छे तरीके से आता है तो इन जर्नल एंट्रीज में आपको दिक्कत नहीं आएगी। इट्स जस्ट कि मैं आपको कुछ तरीके बता दूंगा कि आप इस तरीके से जर्नल एंट्री बनाना, आपको कोई नई चीज सीखने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको पहले वाले जो टाइप नंबर टू ऑफ क्वेश्चंस है जिसमें 4 अकाउंट बनाने होते हैं, अगर आपको वो आता है देन बिलीव मी जर्नल एंट्रीज ऐसे चुटकियों में करवाऊंगा आपको, ठीक है ना? ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, एकदम शुरू करते हैं। जरा मेरी एक बात सुनना ध्यान से, मैं उम्मीद करता हूं कुछ बेसिक चीजें तो आपको पता होंगी। अगर नहीं पता और अगर आप डायरेक्टली देखने आ गए हैं ये वीडियो विदाउट नोइंग कि वो 4 अकाउंट कैसे बनते हैं, तो प्लीज आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। खामखा आपको समझ आएगा नहीं, टाइम अपना ही वेस्ट कर रहे हो, मेरा भी कर रहे हो। इससे अच्छा है कि प्लेलिस्ट में आप पहले बाकी की वीडियोस देखो, उसके बाद इस वीडियो को देखना, ठीक है? अब आ जाओ, जरा मुझे एक बात बताओ। आपको एक बेसिक चीज पता होगी कि जब हम बनाते हैं बैलेंस शीट, जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं उसकी ये साइड होती है लाइबिलिटीज, ये साइड होती है असेट। अच्छा, हमसे पहला अकाउंट जो माना जाता है ना, मांगा जाता है, वो होता है रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट होता है, हम सबसे पहले क्या करते हैं शरीफ बच्चों की तरह, लाइबिलिटी साइड में सारी चीजें नहीं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो लाइबिलिटी साइड से डायरेक्टली ट्रांसफर होती हैं इस साइड में बाय साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, और असेट साइड में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें आप क्या करते हो टू साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हो एट द बुक वैल्यूज। यानी कि ये डायरेक्टली ट्रांसफर करना है, क्वेश्चन में नीचे क्या दिया हुआ है आपको उससे कोई मतलब नहीं है। ये काम तो आप करोगे ही करोगे, इस बात की कोई गुंजाइश शक नहीं है इस बात में। नाउ अब आपको क्या करना है, इसके बाद आपको दे रखा होता था कि यहां पे जो असेट्स आपने ट्रांसफर करे हैं इधर, इन असेट्स को क्या हुआ, इन असेट्स के साथ, इन असेट्स को अगर बेचा जाता था तो हम कहते थे बाय बैंक, अगर इन असेट्स को पार्टनर लेके जाता था तो हम कहते थे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, याद है आपको? सिमिलरली इस साइड में जो लाइबिलिटीज थी, इस साइड में जो लाइबिलिटीज आई थी, इन लाइबिलिटीज के साथ क्या होती थी, दो चीजें होती थी, या तो क्या होता था कोई पार्टनर फर्म पे कर देती थी तो टू बैंक अकाउंट हो जाता था, और अगर इसे कोई पार्टनर पे करता था तो टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट हो जाता था। याद आ रही है आपको चीजें? बिल्कुल। अब आपको क्या करना है, आपको जब भी जर्नल एंट्री वाला क्वेश्चन आएगा इस तरीके का, एक चीज आपको याद रखनी है, यहां से यहां और यहां से यहां डालने की जो जर्नल एंट्री है आपको इसकी जर्नल एंट्री नहीं करनी है, ये काम ऑलरेडी हो रखा है। आपको कौन सी एंट्रीज करनी है इस पहले स्टेप के बाद, जब इनको बेचा जाता है, रियलाइज किया जाता है, तब क्या जर्नल एंट्री होगी, यहां पर उस चीज से हमें डील करना है। ये लाइन कहां पर लिखी हुई है, ये लाइन यहां लिखी हुई है, इस क्वेश्चन में एक बार देखने की कोशिश करना। देखो क्या बोल रहा है, प्रतीक नीरज एंड उमंग वर पार्टनर्स इन अ फर्म, 3 पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 7:2:1, 7:2:1 है। फर्म वॉज डिसॉल्व्ड ऑन 31 मार्च 2019, ओके नो प्रॉब्लम। अब ध्यान से देखो ये लाइन क्या लिख रही है, आफ्टर ट्रांसफर ऑफ असेट्स अदर देन कैश, ऑफ कोर्स आफ्टर ट्रांसफर ऑफ असेट्स अदर देन कैश, क्योंकि कैश अकाउंट हमारा रियलाइजेशन में नहीं जाता था, और जो बाकी की असेट साइड में चीजें होती थी दे आर नॉट इवन असेट्स, जैसे कि पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, पार्टनर करंट अकाउंट, ये सारी की सारी चीजें असेट्स थोड़ी ना होती है, दीज आर ओनली फिक्टिशियस असेट, झूठी मूठी असेट्स होती हैं, तो उनको तो हम रियलाइजेशन में वैसे भी नहीं ट्रांसफर करते हैं, वो जाती है हमारी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो जितनी भी असेट्स हैं जो रियलाइजेशन में ट्रांसफर होनी चाहिए उनको ट्रांसफर कर दिया, एंड जितनी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हैं वो लाइबिलिटीज जो हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं उन्हें एक्सटर्नल लाइबिलिटीज कहते हैं, टू द रियलाइजेशन अकाउंट वो ट्रांसफर हो चुकी है। यानी कि ये वाला पोर्शन आपका हो चुका है, आपको ये वाला पोर्शन करना है, ये नहीं हुआ है अभी। अब आइए जरा, अब क्या कहना है कि पहली एंट्री देखो क्या है, पहली एंट्री क्या है, फर्नीचर ऑफ 45,000 रुपीज, फर्नीचर कितने का था, 45,000 रुपए का फर्नीचर था, वॉज सोल्ड बाय ऑक्शन
फॉर 66,000 रुपीज। आपको पता है ऑक्शन क्या होता है? जिसमें बोली लगाते हैं। बोली लगाने का मतलब क्या होता है? वो नहीं होता जैसे कोई चीज अगर 66,000 की बिकी है तो 66,001, 66,002, 66,003 ये प्रॉपर्टी हुई इनकी। याद है ऑक्शन क्या होता है? वैसे ही ऑक्शन जो होता है ना वो एक ऑक्शनर कराता है, एक एजेंट होता है जो ऑक्शन करता है और उसके लिए वो अपनी एक फीस चार्ज करता है। हमारी 45,000 का फर्नीचर था वो 66,000 का बिका, बहुत अच्छी बात है, बट इसमें ऑक्शनर का जो कमीशन था वो कितना था? 2,000 रुपए। तो एक बात बताओ, 66,000 पूरे तो हमको मिलेंगे नहीं, इसमें से 2,000 रुपए ऑक्शनर कमीशन कट जाएगा तो हमारी जेब में एग्जैक्टली कितने आए हैं? 64,000 आए हैं। एब्सोल्युटली मुद्दा यह है कि इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। तो मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो आपको साइड में ना अगर आपको जर्नल एंट्री याद हो जाती है तो अच्छी बात है, नहीं याद होती तो मैं एक जुगाड़ बताता हूं जो मैं खुद आज भी अप्लाई करता हूं। देखो आपने देखो क्या करना है, इमेजिनेशन करनी है, ये रही बैलेंस शीट, ऐसे एक छोटी सी बैलेंस शीट बना लेना। इसमें ये असेट साइड होती है, ये लाइबिलिटी साइड होती है। अच्छा देखो, जब आपने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया होगा तो असेट साइड को पहले यहां पे आपने पोस्ट कर दिया था, ये वाली जर्नल एंट्री तो इन्होंने पहले ही कर रखी है, हमें इसकी जर्नल एंट्री नहीं करनी। जब ये असेट्स बेची जाएंगी तो ये कहां पे आएगा? इस साइड में आता है बाय बैंक के नाम से। जब भी असेट बिकती है बाय बैंक आता है। कितने की बिकी है हमारी असेट? हमारी असेट देखो 64,000 की बिकी है। 66,000 मत लेना, 66,000 हमारे पास नहीं आया, हमारे पास सिर्फ 64,000 आए हैं। तो बाय बैंक आप कितना लिख दोगे? 64,000 कि इसे बेच के इतना मिला है। जर्नल एंट्री क्या मिलेगी ध्यान से देखो, अगर रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर बाय बैंक लिखा हुआ है तो जब इसकी जर्नल एंट्री बनाएंगे ना तो जो बाय साइड वाली चीज होती है उसे जर्नल एंट्री में डेबिट करते हैं। तो यहां पे बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? देखो बैंक अकाउंट कर देंगे डेबिट। और किस अकाउंट के अंदर? देखो जिस अकाउंट के अंदर ये बाय बैंक हुआ है ना उस अकाउंट को क्रेडिट कर दो, यानी कि टू रियलाइजेशन कर दो। टू रियलाइजेशन, बात खत्म। टू रियलाइजेशन कर दिया, कितने रुपए? 64,000। बस आपको एक ही चीज याद रखनी है कि जब भी असेट्स बिकेंगी तो बाय बैंक, असेट्स अगर पार्टनर लेकर चला गया तो बाय पार्टनर कैपिटल, लाइबिलिटीज के लिए उल्टा हो जाएगा। लाइबिलिटीज अगर पे कर दी तो टू बैंक, अगर लाइबिलिटीज को पार्टनर ने पे कर दिया तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एज सिंपल एज दैट। आइए आगे चलते हैं। अगला अमाउंट क्या, ऑप्शन क्या है? ऑफिस इक्विपमेंट ऑफ 90,000 वॉज टेकन बाय क्रेडिटर्स ऑफ बुक वैल्यू 82,000 इन फुल सेटलमेंट। ओके, आपको ऑफिस इक्विपमेंट दे रखा था 90,000 का, हमारे पास ना कुछ ऑफिस में इक्विपमेंट पड़े थे कंप्यूटर वगैरह, वो 90,000 के थे। हमारे क्रेडिटर थे कितने रुपए के? 82,000 रुपीस के। उन्होंने कहा कि यार तुम मुझे पैसे क्या दोगे, तुम्हारी फर्म बंद होने वाली है, तुम एक काम करो मुझको ना ऑफिस इक्विपमेंट दे दो अपने 90,000 रुपीस के। हमने कहा ठीक है भाई, और उसने कहा कि इसे 90,000 के असेट्स को दे देना, हमारा अमाउंट पूरा सेटल हो जाएगा, हम आपसे ना कुछ लेंगे ना कुछ देंगे। मैं एग्री कर गया इस चीज के लिए। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि सर हमारे तो ऑफिस इक्विपमेंट 90,000 के है, हमने तो सिर्फ इन्हें 82,000 के है, तो हमने 90,000 की चीज क्यों दे दी? भाई ट्रांजैक्शन है, हो सकता है मजबूरी में बंदा क्या नहीं करता है, मजबूरी में तो बेटा अपना 1 करोड़ का घर बंदा 50 लाख में बेच देता है, यहां मजबूरी है। तो आप कोई भावनाओं में नहीं बहना, आप एक अकाउंटेंट है, आपको सीधे एक काम करना है। क्या हुआ है ध्यान से सुनो, जब भी कोई लाइबिलिटी, मैंने एक नोट लिखवा रखा है, जब भी कोई लाइबिलिटी क्रेडिटर्स कोई असेट लेके जाती है, जब भी कोई लाइबिलिटी कोई असेट लेकर जाएगी उस पोर्शन की कोई एंट्री नहीं होगी। जब भी कोई लाइबिलिटी कोई असेट लेकर जाएगी उस पोर्शन की कोई एंट्री नहीं होगी। रीजन क्या है? एक बात बताओ, इधर से लाइबिलिटी साइड में से क्रेडिटर भी रियलाइजेशन में जा चुका है, असेट साइड में से ऑफिस इक्विपमेंट भी रियलाइजेशन अकाउंट में जा चुकी होंगी। क्रेडिटर और ऑफिस इक्विपमेंट दोनों की आइडेंटिटी खत्म हो चुकी है, अब वो रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से जानी जाती है। इसका मतलब अब क्रेडिटर भूल जाओ कुछ था, भूल जाओ ऑफिस इक्विपमेंट कुछ था, अब दोनों रियलाइजेशन के नाम से जाने जाते हैं। अब क्रेडिटर जब ऑफिस इक्विपमेंट को लेके गया होगा तो उसकी एंट्री पता है क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन। एक बात बताओ, सेम चीज डेबिट और सेम चीज क्रेडिट की कभी कोई एंट्री हुई है? नहीं हुई है। तो इसलिए इस चीज की नो एंट्री होगी, नो एंट्री। और एक चीज और बता देता हूं, अभी एक केस इसमें आएगा, मान लेते हैं इसके अलावा ऑफिस इक्विपमेंट के अलावा क्रेडिटर ने कहा होता कि मुझे और कैश भी चाहिए, या फिर क्रेडिटर कहता कि बचे हुए 8,000 रुपीस मैं आपको कैश पे कर दूंगा, तो उस कैश के अमाउंट की एंट्री होगी। वो जब केस आएगा तब मैं आपको बताऊंगा, बट यहां पे अगर फुल सेटलमेंट हो गया है, कैश की ना कोई लेन है ना कोई देन है, तो उस केस में कोई एंट्री नहीं होगी, बात खत्म। क्योंकि एक असेट एक लाइबिलिटी को ले जा रहा है और दोनों के दोनों रियलाइजेशन के बच्चे हैं, तो रियलाइजेशन के बच्चे हैं तो भैया उस केस में कोई एंट्री नहीं होगी। नाउ थर्ड पॉइंट,
उमंग हैड गिवन अ लोन ऑफ 1,09,000 टू द फर्म। उमंग कौन है? पहली बात उमंग देख लो, पार्टनर है हमारा, श्योर कर लो। यस, उमंग इज द थर्ड पार्टनर ऑफ द फर्म। उमंग ने फर्म को लोन दिया है 1,09,000 का। उमंग ने फर्म को लोन दिया है यानी कि बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में, ये लाइबिलिटी साइड है या एसेट साइड है, यहां पे उमंग लोन अकाउंट होगा, उमंग लोन दे रखा होगा कितना 1,09,000। मुझे एक सिंपल सी बात बता दो, उमंग का लोन रियलाइजेशन में जाएगा क्या? कतई नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। इसका बनता है एक सेपरेट अकाउंट, दूसरे नंबर का जो अकाउंट होता है रियलाइजेशन के बाद, वो पार्टनर्स लोन अकाउंट होता है। तो उमंग्स लोन अकाउंट आपने बनाया होगा, उमंग्स लोन अकाउंट, इस चीज को आप क्या करते थे, बाय साइड में डालते थे, बाय बैलेंस बीडी के नाम से कितना 1,09,000। अब ध्यान से देखना क्या किया गया है यहां पे, इसे देखते हैं। ही एक्सेप्टेड 1,00,000 रुपीज, 1,00,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। उसने क्या कहा कि मुझे 1,00,000 रुपए दे दो, बस 1,09,000 का लोन दिया है ना, सिर्फ 1,00,000 रुपए दे दो, बाकी मैं सेटल कर देता हूं। हमारी जेब से कितने रुपए गए देखो, 2 कैश या बैंक लिख दो 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए, बट बचा वो 9,000। भाई 1,09,000 पेंडिंग थे, 9,000 से 2 साइड अभी भी छोटी है, उसका क्या करेंगे, वो हमारा प्रॉफिट हो गया है। अब प्रॉफिट, अब टू प्रॉफिट ऑन लोन ये सब मत लिखना, सिंपल जहां कुछ ना समझ आए वहां पे रियलाइजेशन हो जाएगा, तो आप लिख दोगे टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना 9,000 रुपए का। बस दोनों चीजें यहां पे साइड बैलेंस हो जाएंगी। बारी आती है अब जर्नल एंट्री क्या करेंगे, तो देखो अब ध्यान से देखना, यहां पे अगर उमंग के लोन अकाउंट में 2 साइड में कैश और 2 साइड में रियलाइजेशन आ रहा है, तो देखो अब उमंग के लोन अकाउंट को डेबिट करेंगे और 2 कैश और 2 रियलाइजेशन लिखेंगे। जो 2 होता है वो अपने नाम के साथ ही आएगा, जैसे देखो 2 कैश लिखना और 2 रियलाइजेशन लिखना, और जिसका लोन अकाउंट है उमंग लोन अकाउंट को डेबिट कर दो। कितने का लोन अकाउंट है भाई, 1,09,000 का, और 2 कैश में कितने जाएंगे 1,00,000 रुपीज, और 2 रियलाइजेशन में कितने जाएंगे 9,000 रुपीज। अभी आपको लग रहा होगा सर बहुत टाइम लग रहा है करने में, भाई गलत करने से अच्छा है ना, कंफ्यूज होने से अच्छा है ना, थोड़ा टाइम ले लो, विद प्रैक्टिस आपकी भी आदत बन जाएगी। अभी मुझे अगर आपको समझाना ना हो ना, तो मैं घड़ी देख के 20 सेकंड के अंदर एक एक क्वेश्चन एक एक पार्ट कर दूंगा, सिर्फ जितना लिखने में टाइम लगेगा ना उतना करने में टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस हो चुकी है। मैं जो वीडियोस में पढ़ा रहा हूं इसके बाद आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती, इसके बाद आपको पढ़ाई करनी है, इसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है, डाउट्स पूछने हैं, तब जाके बात बनेगी, तब मजबूत व्यक्ति बनता है। ऐसे नहीं होता कि यार वीडियो तुमने एकदम बिंज वॉच मार ली, एक बार देख ली साथ में, कुछ नहीं भाई, डिसेंट रिजल्ट आ जाएगा, बट वो जो एक होता है ना टॉप नॉच नहीं आ पाएगा। किसी भी अकाउंट्स के टॉपर से पूछ लेना, वो उसने कितनी मेहनत करी होती है, बाकी सब्जेक्ट्स की बात नहीं करूंगा, बट अकाउंट्स में तो भाई ऐसे ही होता है। फिर देखो ईयरली एंट्री हो गई, आप सोचोगे बाय बैलेंस बीडी वाली सर इस चीज की एंट्री नहीं होगी कि बाय बैलेंस बीडी अकाउंट डेबिट टू उमंग लोन अकाउंट। भाई जो बैलेंसेज होती है उनकी कोई जर्नल एंट्री नहीं होती, बैलेंसेज को आप जर्नलाइज नहीं करते हो, क्योंकि वो बैलेंसेज होते हैं, दे आर नॉट द ट्रांजेक्शन। जर्नल एंट्री सिर्फ ट्रांजेक्शन की होती है, ये बात याद रखना, कक्षा 11वीं में आपके अपने टीचर ने आपको पढ़ाया होगा, ठीक है ना। फिर आ जाओ, थर्ड हो गया, फोर्थ इन्वेस्टमेंट्स वर 53,000। अच्छा इन्वेस्टमेंट्स कितने की है, पहले तो मैं मिटा दूं थोड़ा सा, इन्वेस्टमेंट्स वर 53,000 आउट ऑफ विच 23,000 वॉज टेकन बाय नीरज एट 25,000 एंड बैलेंस ऑफ द इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड फॉर 35,000। ठीक है इन्वेस्टमेंट, अच्छा आपके ना दिमाग में ऐसे होना चाहिए, जल्दी से बैलेंस शीट बनाना, यहां पे लाइबिलिटी लिखना, यहां एसेट, आपको पता है इन्वेस्टमेंट कहां पे होगी, यहां पे आई होगी इन्वेस्टमेंट कितनी 53,000 की। आप सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाना, रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले 2 इन्वेस्टमेंट गई होगा इधर, 2 इन्वेस्टमेंट कितना 53,000, लो हमने ये लिख दिया। बट इस चीज की जर्नल एंट्री करनी नहीं है क्योंकि ये चीज ऑलरेडी हो रखी है, हमें किस चीज की एंट्री करनी है कि इन्वेस्टमेंट 53,000 की थी, 23,000 वॉज टेकन बाय नीरज एट 25,000, 23,000 के इन्वेस्टमेंट को एट 25,000 लेके गया। मैंने आपको बताया कितने की इन्वेस्टमेंट ले गया है उससे फर्क नहीं पड़ता, कितने में ले गया है वो अमाउंट लिखना है। पार्टनर जब इन्वेस्टमेंट यानी कि असेट लेके जाता है तो बाय नीरज कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, उसको नीरज कैपिटल अकाउंट कितने अमाउंट से 25,000, और बैलेंस जितनी बची थी इन्वेस्टमेंट उसे आपने बेच दिया कितने का 35,000 का। कितने रुपए आए, 35,000 रुपए। जब पैसे आते हैं बिक के तो यहां पे लिख दो 35,000 रुपए बाय बैंक, लो जी बस। अब इसकी जर्नल एंट्री करें तो क्या करेंगे, देखो बाय साइड में जो चीजें दे रखी हैं, बाय साइड में जो चीजें दे रखी है उनको डेबिट करते हैं, तो देखो नीरज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बैंक
अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कितना कितना अमाउंट है? 25,000 नीरज कैपिटल, 35,000 बैंक अकाउंट डेबिट, दोनों को प्लस कर देंगे 60,000 टू रियलाइजेशन, बात खत्म। देन फिफ्थ पॉइंट, एक्सपेंसेस इंकर्ड ऑन डिसोल्यूशन वर 21,000 एंड वर पेड बाय प्रतीक। अरे यार तुम्हें एक बात बताता हूं, सबसे पहली वीडियो जो डिसोल्यूशन की है ना, वो मैंने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे बनाई है। ये वो वीडियो जिसने देख ली ना, वो सुनने का ही मन नहीं करेगा उसका, वो स्किप कर देगा क्योंकि उसको आता होगा। इतना आसान पॉइंट है, सिंपल है। जितना फर्म का खर्चा है, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस कितने के हैं? 21,000 के। जितने फर्म के एक्सपेंसेस हैं उसे हम लिखते हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि फर्म को पे करना था 21,000, बट पेड बाय किसका है? प्रतीक। प्रतीक ने पे कर दिया है, तो जब पार्टनर ने हमारे बिहाफ पे कर दिया है प्रतीक ने, तो अब फर्म पार्टनर को पे करेगी, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो टू प्रतीक कैपिटल अकाउंट 21,000। सिक्स्थ, आय हाय ये देखना, इस वाले को, ये इतना आसान है बट बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं फिर कर नहीं पाते इसको। देखना, लॉस ऑन डिसोल्यूशन वाज 40,000। डिसोल्यूशन लॉस यानी कि जब रियलाइजेशन अकाउंट हमने बनाया होगा, लॉस किस साइड आता है? हमेशा बाय साइड में आता है, बाय लॉस। और किस में बांटते हैं? पार्टनर्स में, उनकी रेशियो में बांट देते हैं। पार्टनर्स कौन कौन है? प्रतीक, नीरज और उमंग। प्रतीक, नीरज और उमंग, 40,000 का लॉस है, किस रेशियो में बांटेंगे? 7:2:1, 7:2:1, 40,000 इंटू 7/10 ये आ जाएगा 28,000। फिर दूसरे का आ जाएगा 8,000 शायद, हाँ 7:1 है ना, और उसका आ जाएगा 4,000। तो ये हो जाएगा 28,000, इसका हो जाएगा 8,000, इसका हो जाएगा 4,000। अब इस चीज को अगर हमें जर्नलाइज करना हो तो क्या करेंगे? बाय साइड में देखो किसका, पी एन और यू का, प्रतीक, नीरज और उमंग का कैपिटल अकाउंट है, तो इनको डेबिट कर देंगे, क्योंकि जो चीजें बाय साइड में होती है अकाउंट में वो डेबिट होती हैं, और जो अकाउंट बन रहा होता है उसको क्रेडिट कर देते हैं। तो प्रतीक कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं क्योंकि टाइम की भारी कमी है, एन कैपिटल अकाउंट डेबिट, यू कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, अमाउंट कितना हो जाएगा? 28,000, 8,000, 4,000, टोटल कितना हो जाएगा भाई? 40,000, खत्म। हमारा ये क्वेश्चन हो गया, मुबारक हो, मुबारक हो, आगे बढ़ते हैं। आई थिंक आपको तरीका समझ आ गया होगा। इलस्ट्रेशन नंबर 12 जरा देखना। एल और एम वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:3, ये रहा 2:3, बहुत बढ़िया। 28 फेब 2016 को फर्म वॉज डिजोल्व, वेरी गुड। आफ्टर ट्रांसफरिंग असेट्स अदर देन कैश एंड आउटसाइडर लाइबिलिटी टू रियलाइजेशन अकाउंट, वो जो पहली क्रॉस पोस्ट होती है, यार तुम्हें तरीका बताता हूं, मैं तो ऐसे अपने बच्चों को ऑफलाइन ट्यूशन में पढ़ाता था, बैलेंस शीट है, एक बार ऐसे करो फिर एक बार ऐसे करो, दो बार क्रॉस होगा ऐसे। वो एक था ना, मेरे को एक सलमान खान की मूवी याद आ रही है, वो ऐसे करके, ऐसे, वो गर्भ नाम की एक मूवी थी, उसमें वो उसका साइन होता है कि ऐसे क्रॉस करके कि अब तेरे को मार दूंगा, काफी उससे सिमिलर है, पर उसमें दो बार होगा, एक बार ऐसे फिर एक बार ऐसे। ऐसे का मतलब क्या है? जब बैलेंस शीट बन रही है तो देखो, एक बार ऐसे क्रॉस हुआ, देखो एक बार ऐसे क्रॉस हुआ, फिर उसके बाद यहां से यहां और यहां से यहां, यानी कि इधर जो असेट्स हैं उनको बेचेंगे तो वो यहां पे बाय बैंक आ जाएगा, और इधर जो लाइबिलिटीज हैं उनको पे करेंगे तो टू बैंक आ जाएगा। तो अपने एग्जामिनेशन हॉल में ना बिल्कुल ऐसे ही करना, ऐसे ऐसे करना, और आपको याद आ जाएगा कि हाँ यार इसमें तो ये चीज करनी थी। ठीक है, खैर मजाक कर रहा था, अब आइए इसके बाद जरा देखना। हमारी पहली पोस्टिंग, पहला क्रॉस हो चुका है, यहां पे हो चुका है, ये एंट्री करनी है हमें दूसरे वाले की। फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट दे रखा है क्रेडिटर 4 140,000। ध्यान से सुनना, अच्छा पॉइंट है। क्रेडिटर कितने के थे बेटा? 140,000 के थे, और ऐसे फ्लो चार्ट बना के करना। उन्होंने एक्सेप्ट कर ली बिल्डिंग वैल्यूड एट 1,80,000। उन्होंने कहा हमको ना आप बिल्डिंग दे दो, बिल्डिंग दे दो कितने की? 1,80,000 वाली बिल्डिंग दे दो। हमने कहा कि एक बात बता, हमें तेरे को पे करने थे सिर्फ 1,40,000, हमारी तू 1,80,000 की बिल्डिंग ले रहा है, भाई 40,000 रुपए का नुकसान क्यों झेले? उसने क्या कहा? एंड पेड टू दी फर्म 40,000 रुपए। क्रेडिटर ने फर्म को पे कर दिया, वो जो एक्स्ट्रा बिल्डिंग का अमाउंट था ना, वो क्रेडिटर ने फर्म को पे कर दिया। अब एक बात बता दे, क्रेडिटर ने फर्म को पे करा तो फर्म के पास पैसे आए होंगे ना, फर्म के पास पैसे आए होंगे। पैसा जब फर्म के पास आएगा तो क्या करेगी? बैंक अकाउंट डेबिट करेगी, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन। और किसकी, कौन सी चीज से आए हैं? बिल्डिंग से आए हैं ना, तो बिल्डिंग का अपना नाम नहीं आएगा, अब सिर्फ रियलाइजेशन आएगा।
कभी भी किसी असेट और किसी लाइबिलिटी का नाम मत लिख देना, जहां भी तुम्हें लगे ना कि असेट का नाम लिखना है, लाइबिलिटी का वहां रियलाइजेशन लिख देना। ये एक तरीका है इस क्वेश्चन की जर्नल एंट्रीज करने का। ये हो जाएगा हमारा कितना 40,000 रुपए, क्योंकि देख लो 1,80,000, 1,80,000 की बिल्डिंग थी, 1,40,000 के क्रेडिटर थे, जो क्रेडिटर ने 1,40,000 और 1,40,000 का जो अमाउंट था कि एक लाइबिलिटी एक असेट लेके चली गई है, ध्यान से सुनो, एक लाइबिलिटी एक असेट लेके चली गई है 140 की 140 पोर्शन, उसकी कोई एंट्री नहीं होगी, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था। बट जो एक्स्ट्रा पेड वर्ड आ गया ना, पेड यानी कि कैश इन्वॉल्व हो गया है, तो उस पोर्शन की तो आपको एंट्री करनी ही पड़ेगी, उससे आप नहीं बच सकते हो। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 40,000, बात खत्म। फिर आ जाओ सेकंड पॉइंट, फिर एक और क्रेडिटर था, भाई साहब कितने उधार लिए हैं, अ सेकंड क्रेडिटर ऑफ 30,000 रुपीज, 30,000 का क्रेडिटर था, देख लेते हैं जी इसका भी हिसाब। उसने एक्सेप्ट कर ली मशीनरी जिसकी वैल्यू थी 28,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम, 30,000 का क्रेडिटर था, मूर्ख इंसान मशीनरी एक्सेप्ट करके बैठ गया 28,000 रुपए, और उसने ये नहीं कहा कि जो बचे हुए 2,000 रुपए वो मुझे पे कर दो, कुछ नहीं, कह रहा ठीक है यार तुम जियो अपनी जिंदगी, फुल सेटलमेंट हो गया यहां पे। अब फुल सेटलमेंट जब हो गया तो भाई ना कैश आया ना कैश गया, तो इस चीज की कोई एंट्री नहीं होगी, क्यों, क्योंकि एक लाइबिलिटी एक असेट लेके गई है। तो भैया इश्क दी गली विच नो एंट्री, ओके। अब आ जाओ जी थर्ड पॉइंट, थर्ड क्रेडिटर, भैंस की आंख, क्या मजाक बना रखा है, बिजनेस कर रहे थे, सिर्फ उधार ले रहे थे, तभी बंद हुई है ये, इतना उधार ले लेके बिजनेस कर रहे हैं। आ जाओ भाई थर्ड क्रेडिटर कितने का है भाई, 70,000 का, उसने एक्सेप्ट कर लिए 30,000 इन कैश। ओ सर, इसका 30,000 इसने कैश लिए हैं, मतलब इसने कैश लिए हैं, यानी कि पैसा गया है हमारा, तो इसकी एंट्री होगी। एंड उसने इन्वेस्टमेंट भी ले लिए हैं जिनकी बुक वैल्यू 45,000 थी इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम, और इसने सर इन्वेस्टमेंट भी ली है, कितने रुपए की ले ली है, 45,000 की। सर जब एक असेट एक लाइबिलिटी एक असेट लेके जाती है, इसकी तो कोई एंट्री होगी नहीं, तो मैं कब मना कर रहा हूं, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, एंट्री सिर्फ इस पोर्शन की होगी। अब देखो अकाउंट बना के अगर सीखना चाहते हो तो मैं वो भी बता देता हूं, बैलेंस शीट आपकी थी है ना, यहां पे क्रेडिटर था पहले लाइबिलिटी साइड में, आपने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया होगा, रियलाइजेशन अकाउंट में आपने पहले बाय साइड में क्या करा होगा, क्रेडिटर, इस पोर्शन की तो एंट्री करनी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हो रखी है, हमें सिर्फ इसको पे करने की एंट्री करनी है। तो जब भी लाइबिलिटी को पे करते हैं तो टू कैश करते हैं, कितना 30,000 रुपए, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी भैया, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना 30,000, 30,000 खत्म हो गया भाई क्वेश्चन। और लास्ट लॉस ऑन डिसोल्यूशन वाज 4,000, भाई पिछले क्वेश्चन का भी जो लास्ट पॉइंट था वो यही था, ये लॉस ऑन डिसोल्यूशन वाज 40,000, अब 4,000 है, सेम एंट्री है, अपने आप कर लेना, इसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है कराने में। आ जाओ अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, जिसके बाद आई बिलीव कि उठा लेना कहीं से भी क्वेश्चन तुम्हें आता होगा। आ जाओ जी फर्स्ट पॉइंट, इसमें रेशियो कितनी है, 3:2:1, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस थे 2,000 के, वर टू बी बॉर्न बाय एंड ऑल्सो पेड बाय एक्स अ पार्टनर। अगेन एक ही बात बोलूंगा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड है, तो भाई फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस प्लेलिस्ट आप वो देख लेना, बहुत प्यारा, बहुत समझ आ जाएगा, पर फिर भी मैं अभी कराना तो है ही। बॉर्न किसको करना था, एक्स को, यानी कि एक्स को वो खर्चा झेलना था और एक्स ने ही पे कर दिया, एंड ऑल्सो पेड बाय एक्स, एक्स का खर्चा था, एक्स ने पे कर दिया, इस बात से फर्म को क्या लेना देना, तो फर्म इस चीज की कोई एंट्री नहीं करेगी, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा नो एंट्री। बात समझ आ गई है, अगेन अभी तुम्हें नहीं समझ आ रहा, वो वीडियो देख लेना तब समझ आ जाएगा, क्योंकि अगर अभी ज्यादा टाइम लगा दिया तो उस बच्चे के साथ विश्वासघात हो जाएगा जिसने मेरी वो वाली वीडियो देख रखी है ना, इसलिए आप प्लीज वहां पर जाके देख लेना। सेकेंड पॉइंट, वाई अ पार्टनर टू बियर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एग्रीड एट 1,19,000, क्या 1,00,000 लिख रहा हूं, वाई एक पार्टनर था, उसने कहा कि मैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बियर करूंगा, 1,900 रुपीज मुझे दे दो, यानी कि एक तरीके से वाई ने कहा कि भाई मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं रियलाइजेशन कराने की, डिसोल्यूशन कराने की, उसमें जो भी रियलाइजेशन के खर्चे होंगे वो मैं पे करूंगा, बस फर्म तुम मुझे 1,900 रुपीज दे देना। एक्चुअल एक्सपेंसेस पेड बाय वाई थे 1,500, एक फर्म की इंटेंशन से देखो, फर्म को वाई को देने थे 1,900 रुपीज, Y के आगे खुद के लगे कितने 1,500 रुपए, इस बात से फॉर्म को क्या लेने देना, फॉर्म की जिम्मेदारी तो सिर्फ Y को 1,900 रुपीज देने की थी ना, बाकी Y ने आगे कितना खर्चा किया है,
फर्म हैज नथिंग टू डू। अब उसके 50 रुपए लग रहे हैं या 5 लाख रुपए लग रहे हैं, फर्म को कोई लेने देना नहीं है। तो एंट्री कौन सी होगी? सिर्फ 1900 वाली। क्या होगी एंट्री? फर्म का खर्चा कितना है? तो वो हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, 1900 वाज द एक्सपेंसेस ऑफ फर्म, और टू वाई कैपिटल अकाउंट, कितना? 1900, क्योंकि वाई को पे करना है। और जब भी पार्टनर को कोई चीज पे करते हैं तो टू बैंक नहीं करते, पार्टनर को जब कुछ देना होता है फर्म ने पार्टनर को कुछ देना होता है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाता है, और फर्म को अगर पार्टनर से कुछ लेना होता है, उसको सदा देनी होती है, तो वो कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देती है। ठीक है, ये छोटे छोटे रूल ना याद करके एक बार कहीं कॉपी के कोने में लिख देना, मैं फ्लो फ्लो में बोल जाता हूं, बट जेन्युइनली ये आपको एक डर के समय जब कंफ्यूजन होती है ना, तो यही जुगाड़ू बातें काम आती है, क्वेश्चन हेल्प करने में हेल्प करती है। बता रहा हूं, ये लो हमारा सेकंड हो गया। थर्ड, आई हाय, जनरल रिजर्व हैज अ बैलेंस ऑफ 18,000 ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। जनरल रिजर्व कहां होता है? आपने बैलेंस शीट बनाई होगी तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में आपको जनरल रिजर्व दिखता है 18,000। मुझे एक बात बताओ, सच बताना, ये रियलाइजेशन अकाउंट में जाता है ना जनरल रिजर्व? मन कह रहा है ना तुम्हारा? तुम्हारा मन झूठ बोल रहा है, तुम्हें धोखे में हो तुम, ये रियलाइजेशन में नहीं जाएगा। जनरल रिजर्व जो होता है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाता है। भाई जब से पार्टनरशिप शुरू हुई है, वो जो गुडविल वाला चैप्टर था आपका, चेंज इन पीएसआर वाला, तब से आप एक ही चीज तो सीख रहे हो कि जनरल रिजर्व को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांटते हैं। यही यहां पे ओल्ड और न्यू का तो कोई हिसाब नहीं है। कौन कौन पार्टनर है? एक्स है, वाई है और जेड है, उनके बीच में रेशियो 3:2:1 है। तो भाई जब तुम इसमें कैपिटल अकाउंट बनाओगे ना, तो उसकी किस साइड में जाएगा? उसकी दूसरी साइड में, क्रॉस पोस्ट ही होगी, जो भी चीजें पोस्ट होंगी। बाय साइड में आप लिख दो जनरल रिजर्व, और पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो बाय साइड में जनरल रिजर्व है कैपिटल अकाउंट के, यानी कि जनरल रिजर्व डेबिट हो जाएगा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और 2x 2y 2z। जनरल रिजर्व का अमाउंट कितना है? 18,000। किस रेशियो में बांटना है? रेशियो देख लो यहां पे, 3:2:1, 3:2:1। 18,000 इंटू 3/6, 6 × 3 = 18, ये हो जाएगा 9,000, 6,000, 3,000। लो जी, जर्नल एंट्री हो गई। फोर्थ केस, वाई वॉज गिवन लोन ऑफ 50,000 बाय द फर्म। भाई ध्यान से सुनो, दो सिनेरियोज होते हैं, याद रखना। एक होता है पार्टनर, मान लेते हैं वाई कोई पार्टनर मान लेते हैं। एक होता है कि वाई ने फर्म को लोन दिया है, वाई ने फर्म को लोन दिया है, तो वो फर्म के लिए क्या हो जाएगी? लाइबिलिटी। तो यहां पे आ जाता है वाई लोन, अगर लाइबिलिटी साइड में, मतलब वाई ने फर्म को लोन दिया है। अगर फर्म ने वाई को लोन दिया है तो वो फर्म के लिए क्या होगी? असेट होगी, क्योंकि फर्म ने लोन दिया है पार्टनर को। तो यहां पे आ जाएगा लोन टू वाई इस नाम से। अब एक सिंपल सी बात बता रहा हूं, अगर देखो यहां पे अगर लोन है, यानी कि लाइबिलिटी साइड में है, तो इसका सेपरेट अकाउंट बनेगा, वाई लोन अकाउंट अलग से बनेगा। ठीक है, और इसमें क्या होता है, बाय बैलेंस बीडी लिखते हैं, और यहां पे टू बैंक करके पे कर देते हैं अगर कैश में पे किया है। बट अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो ये हमारा कहां जाता है? ये जाता है कैपिटल अकाउंट में। किस साइड में जाएगा? क्रॉस पोस्ट ही होगा, टू साइड में। तो यहां पे लोन टू वाई है, यानी कि फर्म ने वाई को लोन दिया है, वाई वॉज गिवन लोन ऑफ 50,000 बाय द फर्म, फर्म ने वाई को लोन दिया है 50,000 का। देखना जरा, यहां पे ये 50,000 का है लोन टू वाई, तो ये कैपिटल अकाउंट, अगर मैं कैपिटल अकाउंट बनाऊं तो उसकी टू साइड में लोन टू वाई चला जाएगा, कितना अमाउंट? 50,000, और वाई के कॉलम में लिख देना 50,000। एंट्री क्या हो जाएगी? देखो टू चीज क्या है, टू को टू ही लिखेंगे जनरल एंट्री में, टू लोन टू वाई कितना? 50,000। और डेबिट क्या होगा? किसके कैपिटल अकाउंट में डाला है? वाई के कैपिटल अकाउंट में, तो वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 50,000। सॉर्टेड हो गया भाई, आई होप आपको समझ आ गया होगा, ये कंफ्यूजन वाला पॉइंट भी था। फिर वाई अ पार्टनर टुक मशीन वैल्यूड एट 20,000। पार्टनर असेट लेके चला गया, मशीन इज एन असेट, पार्टनर असेट लेके चला गया है, तो भैया हम कहां लिखते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो उसकी बाय साइड में लिख देंगे, वाई है ना, वाई ने बड़ी खलबली मचा रखी है, बाय वाई कैपिटल अकाउंट कितने रुपए के? 20,000 के। तो देखो वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 20,000, 20,000। कौन सा पार्ट है ये? ये हमारा फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट। आई होप आप साथ के साथ लिख रहे हो, नहीं लिख रहे हो तो अगेन
डोंट एक्सपेक्ट अ गुड रिजल्ट, आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। लिखना है भाई, अकाउंट्स है, कोई इकोनॉमिक्स की इंडियन इको वाला पोर्शन नहीं है, कहानी की तरह सुन लिया 10वीं की एसएसटी की तरह और मार्क्स बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पे करनी पड़ती है मेहनत, बहाना होता है पसीना। ठीक है गीता, सिक्स पॉइंट, जेड अ पार्टनर एग्रीड टू पे, ठीक है, अ क्रेडिटर ऑफ 30,000 4 रुपीज 20,000। जेड नाम का एक पार्टनर है, उसने कहा कि क्रेडिटर, क्रेडिटर यानी कि लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को मैं पे कर दूंगा, 30,000 की लाइबिलिटी है ना, पर मैं सिर्फ 20,000 रुपए पे कर दूंगा, 420,000 रुपीज। क्रेडिटर भी राजी हो गया कि 30,000 के क्रेडिटर है, वाई उनको 20,000 रुपए पे कर देगा। ठीक है, जब पार्टनर एक बात, अच्छा सॉरी जेड, जब एक पार्टनर असेट लेके जा रहा था तो हमने बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट लिख दिया था। अब पार्टनर अगर लाइबिलिटी पे कर रहा है तो टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट नहीं होना चाहिए, सिंस असेट और लाइबिलिटी का ट्रीटमेंट एकदम ऑपोजिट होगा, तो रियलाइजेशन अकाउंट में टू साइड में जेड कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। कितने रुपए से? 30,000 रुपए से नहीं, जितने रुपए पे करने का वादा किया है 20,000, उससे 20,000। तो एंट्री हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू जेड कैपिटल अकाउंट 20,000 20,000। बोले भाई समझ आ रही है? हाँ जी समझ आ रहा है। देन अब दो पॉइंट बचे हैं, दो पॉइंटों के बाद भाई लाइफ हमारी हो जाएगी सॉर्टेड। आई होप मैं जल्दी जल्दी तो नहीं करा रहा यार, अगर ये भी तुम्हें जल्दी लग रहा है ना तो दिक्कत वाली बात है यार। एग्जाम टाइम भाई थोड़ा लास्ट का चल रहा है तो इतनी तो स्पीड रखनी पड़ेगी। हाँ आ जाओ, सेवेंथ पॉइंट, ए अ पार्टनर हैड गिवन लोन टू फर्म ऑफ 10,000। ए ने लोन दिया है फर्म को, ए हैड गिवन लोन टू द फर्म। तो देखो जब बैलेंस शीट बनी होगी तो बैलेंस शीट किस साइड में आया होगा, ये लाइबिलिटी और एसेट साइड है, यहां पे आया होगा ए इज लोन अकाउंट, ए इज लोन 10,000 रुपए, यानी कि ए ने फर्म को लोन दिया है। तो इसका तो मैंने आपको बता रखा ट्रीटमेंट, इसका सेपरेट लोन अकाउंट बनता है, ए इज लोन अकाउंट बनेगा उसकी इस साइड में, पहले तो आप लिख देना बाय बैलेंस बीडी 10,000 रुपए, और बाय बैलेंस बीडी की कोई एंट्री नहीं होती है, इसको पे करने की एंट्री होगी। यहां लिखा हुआ है ना इट वॉज रिपेड टू हिम, पैसे हमने दे दिए, तो टू कैश कर दो, कितने 10,000 रुपए पे कर दिए, खत्म, ये एंट्री कर दो, इज लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, जो आपका मन करे आप लिख सकते हो, 10,000 10,000 खत्म। इसे मिटा रहा हूं, लास्ट लास्ट पॉइंट ना यार, देख डिफिकल्ट है नहीं बट बड़ा सा है ना तो लगता है डिफिकल्ट, इसका मतलब समझना। देखो यार कंटिंजेंट लाइबिलिटी पहले मैं बता देता हूं क्या होती है। कंटिंजेंट लाइबिलिटी ना फियांसे की तरह होता है, फियांसे मतलब पता है क्या होता है, मंगेतर, जिससे यूजली हमारी सगाई हो चुकी होती है या फिर मम्मी पापा को बता दिया होता है कि जी मुझे ये पसंद है, इसी से शादी करना है या करनी है, अच्छा दोनों ही करनी है बोलते हैं, खैर उसमें क्या होता है, आपने एंगेजमेंट कर लिया, एंगेजमेंट रिंग एक्सचेंज हो गई है, ठीक है ना, अभी भी वो हस्बैंड या वाइफ नहीं बने हैं, चांसेस पूरे हैं, पूरे पूरे चांसेस है कि हाँ यार हमारी शादी हो जाएगी, बट इट्स नॉट कन्फर्म येट। भाई कितने मैंने सुने किससे एंगेजमेंट टूट जाती है लोगों की, ठीक है ना, भगवान ना करे किसी के साथ हो बट ऐसा होता है। तो लाइबिलिटी अगर सिर्फ लिखा है, लाइबिलिटी मतलब वो लाइबिलिटी है, शुद्ध लाइबिलिटी है, हमें उसको पे करना है। कंटिंजेंट लाइबिलिटी मतलब है कि कुछ चीजें अगर कंप्लीट हो गई, कुछ रस्में पूरी हो गई, उसके बाद वो कंटिंजेंट लाइबिलिटी, विच इज एग्जैक्टली अभी हमें उसे पे नहीं करना है, बट कुछ conditions पूरी हो गई तो वो कंटिंजेंट लाइबिलिटी लाइबिलिटी बन जाएगी, शी विल बिकम अ वाइफ और अ हस्बैंड व्हाटसोएवर, वो हो जाता है कंटिंजेंट लाइबिलिटी और लाइबिलिटी के बीच का डिफरेंस। यानी कि कंटिंजेंट लाइबिलिटी इज येट नॉट अ लाइबिलिटी, इनफैक्ट अगर कुछ conditions पूरी हो जाती है देन फर्दर लेटर क्या हो सकता है कि दैट कैन ऑल्सो कन्वर्ट इन टू लाइबिलिटी। नाउ देर वॉज अ कंटिंजेंट लाइबिलिटी ऑफ 37,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल डिस्काउंटेड बट नॉट मेच्योर्ड। यानी कि देखो मान लेते हैं ये फर्म है, फर्म को ऐसा क्यों बना रहा हूं यार, ये लो ऐसे बना देता हूं, ये फर्म है, इसका एक कस्टमर था, कस्टमर आपको पता है ना, इसने सामान दिया था, इसने इसको गुड्स दिए थे और कस्टमर ने बदले में गोली दी, कह रहा है कि यार भाई पैसे नहीं है, एक बिल बना दो ना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, एक कागज का टुकड़ा इस बंदे ने दिया किसको, फर्म को, जिस जो फर्म के लिए क्या बन गई, बिल्स रिसीवेबल बन गई। आपने क्लास 10th 11th में अगर पढ़ा हो तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाले चैप्टर में कि बीआर या बिल्स रिसीवेबल को जो ये बंदा होता है ड्रॉअर होता है, जिसको जिसको मिलता है बीआर उसे ड्रॉअर कहते हैं, वो बंदा क्या कर सकता है, अपने बैंक के पास जा सकता है और उससे कह सकता है कि भाई इस बिल को डिस्काउंट कर दे। इसने इसके पास जाके क्या करवा दिया, डिस्काउंट करवा दिया,
ठीक है ना। डिस्काउंट करने का मतलब होता है, मान लेते हैं 10,000 रुपए का क्या है बिल है, तो वो बैंक के पास 10,000 रुपए का बिल दे देंगे। अब बदले में बैंक अपने कुछ 200-300 रुपए चार्जेस काटेगा और 9,700 रुपीज क्या कर देगा, फॉर्म को दे देगा। और फिर कुछ टाइम बाद, जितने टाइम बाद इस बंदे ने वादा किया था फॉर्म को देने का, डेट ऑफ मेच्योरिटी पे बैंक जाएगा इसके पास कि भाई ठक ठक ठक, इस बंदे को तुझे पैसे देने थे फॉर्म को, अब वो पैसे मुझे दे दे क्योंकि उसने बिल मेरे को क्या कर दिया, एक तरीके से एंडोर्स कर दिया, मेरे पास डिस्काउंट करा लिया है। अब इस दिन अगर इस बंदे ने धोखा दे दिया, कह रहा नहीं दे रहा, जो करना है कर ले, तो ये तो फंसने वाली बात हो जाएगी। तो बैंक क्या करेगा उस दिन, बैंक क्या करेगा, बैंक आएगा कि भाई तूने उस बंदे का दिया था, वो बंदा तो धोखा दे गया, तो बैंक फॉर्म से पैसे मांगेगी। तो फॉर्म को पैसे देने होंगे किसको, बैंक को देने होंगे। और फिर फॉर्म वापस किसके पास जाएगी, इसके पास, कि भाई मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था, मैंने तो तेरे को उधार पे सामान दिया था और तूने मुझको धोखा दे दिया, प्लीज कुछ पैसे दे दे। और फिर इस बंदे को अगर कुछ तरस आया तो वो फॉर्म को पैसे लौटा देगी। ये कहानी मैंने थोड़ा जल्दी सुना दी है क्योंकि थोड़ा जल्दी कराना था, मैं फिर नटशेल बता दूंगा, अभी इतना ही समझाना था। कहानी अगर समझ नहीं आई है तो दोबारा से सुन लेना, 2 मिनट स्किप करके पीछे, पक्का समझ आ जाएगी। अब मेरी बात सुनो, इस बंदे ने धोखा दे दिया इस क्वेश्चन में, कैसे, बिल डिस्काउंट तो करा लिया था बट अभी मेच्योर नहीं हुआ था, 37,000 का हमने बिल डिस्काउंट करा लिया था बैंक से, ऑल द डिस्काउंटेड बिल्स वर ऑनर्ड, सारे डिस्काउंटेड बिल्स 37,000 के थे, वो ऑनर्ड हो गए थे, मतलब जिस क्रेडिट डेटर ने बिल बना के दिया था उन्होंने पैसे दे दिए थे, बट एक निकम्मा निकला था, एक बिल का एक्सेप्टर था 5,000 रुपए का, वो यही बंदा था, इसने 5,000 रुपए का क्या किया था, फॉर्म को बिल बना के दिया था, वो इंसॉल्वेंट हो गया, कह रहा भाई पैसे नहीं है मेरे पास, मैं खत्म हो चुका हूं, मैं बिल्कुल दिवाला घोषित हो चुका हूं, विजय माल्या हो चुका हूं, उसने बैंक को पैसे देने से मना कर दिया। तो बैंक आई फर्म के पास, फर्म ने कहा ठीक है भाई मैं आपको पैसे देती हूँ, फर्म की जेब से पैसे जा रहे हैं, तो फर्म क्या करेगी, टू बैंक, पैसा गया है और डेबिट क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, एक ही अकाउंट डेबिट और क्रेडिट होगा जो जो आपको बैलेंसिंग बैंक के अलावा अगर नजर आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितना, 5,000 रुपए से। फर्म ने कहा ठीक है भाई वो बंदा नहीं दे रहा तो मैं तेरे को वापस पे कर देती हूँ, क्योंकि बैंक ने पहले पैसे पे किए थे। अब फर्म जाएगी किसके पास, कि डेटर के पास, कि प्लीज यार मुझे कुछ पैसे दे दो। तो इंसॉल्वेंट तो हो गया था, पर भाई उसने कहा कि मैं आप लोगों को ना 50 पैसा इन रुपी दे दूंगा, किसने कहा, डेटर ने कहा, इस बंदे ने कहा कि मैं आपको 50 पैसा इन रुपी दे दूंगा, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे, इसने कहा कि अगर 100 पैसे देने थे तो मैं 50 पैसे दे दूंगा, अकॉर्डिंगली निकाल लो। ये 50% कहने का एक अलग सा तरीका है, तो समझ जाना जितने रुपए उस बंदे से रिकवर करने थे उसका 50% उसने दे दिया हमें, तो उसने हमें कितने दे दिए होंगे, हमारे पास कितने रुपए आए होंगे, पैसे आए तो बैंक अकाउंट डेबिट, क्रेडिट क्या हो जाएगा, टू तो होगा रियलाइजेशन ही, कितने, 5,000 का आधा हो जाएगा 2,500, 2,500, तो ये दो एंट्रीज होंगी इस केस में। तो आपको जब भी ये कंटिजेंट लाइबिलिटी वाला, ये बिल्स वाले केस आए, क्योंकि ये केस आने के चांसेस हैं, तो आपको सिर्फ दो एंट्री करनी है, एक एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट जो फर्म ने पे करा बैंक को, और फिर फर्म ने जो अपने डेटर से मांगने गया वो हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट में तो जितने का बिल का अमाउंट था उस अमाउंट से होगा, और जितना उसने फिर रिकवर कर लिया फर्म ने डेटर से वो रियलाइजेशन बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन में हो जाएगा, दैट्स इट। इसके बाद मेरा मानना है कि आपसे जनरल एंट्रीज आराम से हो जाएंगी, अगर कुछ नहीं होती हैं तो आप प्लीज कमेंट्स में मुझसे डाउट जरूर पूछ सकते हैं, एंड मैं अभी तो कोई मेरे साथ खास लोग जुड़े भी नहीं है कि बहुत सारे कमेंट्स है तो मैं मेरे भाव बढ़ गए कि मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, अभी तो अपने पास टाइम है, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है ना। एनीवेज अभी के लिए इतना ही करते हैं, अगर आपको लगा कि हाँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, अच्छा लगता है, लाइक तो जरूर करना, ये तो मैंडेटरी है, और कमेंट करके मुझे या तो डाउट पूछो या फिर थैंक यू भेजो, है ना, कि सर थैंक यू सो मच आपने मुझे बचा लिया इस टॉपिक से, क्योंकि मेरी तो इसे देख के फट रही थी क्या बैड लैंग्वेज, इसके लिए सॉरी। एनीवेज अभी के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय गाइस, टेक केयर।